संगीत गरम खून खलता हुआ पानी मौत के बदले मौत उर्फ डाकू लखन सिंह चाकपाल के हाथों में हथकड़ी जा दो उसको से भिखारी आ जाते हैं। मेरी पूजा भी नाश कर दी कमीने ने, अब मैं पूजा भी नहीं करूंगी, मैं चलती हूं अपने पापा के पास। लेके पूजा की थाली जो तुम मन की हो खाली, तेरी आरती उतारू भोली माँ। तो भे राज मंदिर में लागे आए हम हो तुम भोले जी का मनाई लेन जाए। हाँ अरे भोले को कैसे हम मनाई हो, भोले को कैसे हम मनाई, हमार भोला मानत ना। मंदिर में आ चुके हैं, हम भी पिएंगे और जगदीश स्वामी को भी पिलाएंगे। जब हम पिएंगे और जगदीश स्वामी भी पिएंगे तो बड़ा आनंद आएगा, प्रसन्न होंगे हम पर, जो मांगेंगे सब कुछ हमें मिल जाएगा। चलता हूं मंदिर के अंदर, स्वामी के दर्शन करता हूं। यो प्यारा शिव के मन ही न भावे, क्या बात भैया,
साले पूजा चना करते हो कौन हो? हम मालिक यहाँ के और पुजारी हैं। हाँ, जब भक्त लोग आते हैं तो पुजारी को अंदर रहना चाहिए। तुम यहाँ करने क्या आए हो? मैं भाई पूजा कहीं के यार भजन वहाँ गा बाचो दा रहे हो सड़ी के चलो निकलो। चलता हूँ और जल्दी से स्वामी के दर्शन करके वापस अपने चौपाल को चला जाऊंगा। कौन हो तुम? मंदिर में बिना पूछे कैसे घुस गए? कि देने वाला देता तो छप्पर फाड़ के देता है। प्रभु ने हमारी मुराद को पूरी कर दिया, हमारी तमन्ना को अच्छे प्रकार से सुन लिया। बहुत सच्चे और बहुत पहुंचे जगदीश स्वामी है क्या? तो इस पत्थर का क्यों और पूजते हो प्रिय? इस हम तुमको मिल जाएंगे। इसमें रखा है क्या जो इसे पूछते तेरे स्वामी मेरे? तुमको शर्म नहीं आती है मंदिर में गंदी गंदी बातें करते हुए? शर्म किस बात की? कहते हैं जिसके लगे शरम उसका फूटे करम। आओ हमारे सीने से ले जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पहली बार देखा है हमने तुम्हें। क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम जान के तुम करोगे क्या? इधर आओ, बहुत अंगड़ियाई रही हो। हम तुम्हारा नाम पूछ पता जानना चाहते हैं। तुम बहुत अंगड़ियाई रही हो। तुम्हारा नाम पूछना नाम क्या है? मेरा नाम गुलपसा है। पहली बात तुम मुझको नाम क्यों पूछ रहे हो? अरे नाम नहीं जानेंगे तो हम तुमसे बात कैसे करेंगे? बात करने के लिए नाम उसमें जरूरी होता है। अच्छा तुम बात करना चाहते हो? मेरा नाम कल्पना है। कल्पना? वाह वाह रे नाम कल्पना। हाँ क्या के बनाने वाले की तारीफ करूं या तुम्हारी तारीफ करूं? बनाने वाले ने भी तुम्हें फुर्सत से बनाया होगा क्या? कल्पना हाय हाय कल्पना कल्पना मतलब क्या है? और प्यारी कातिल बड़ी है कल्पना हाय हाय मेरी ठंडक की मशीन। और प्यारी कातिल बड़ी है और तुम्हारी नजर तूने घायल किया है।
पना आ मेरे सीने से लग जा मेरी जान। ये क्यों नहीं कहते मुझसे पाने की तमन्ना है, बदतमीज ने के कभी आईने में अपनी शक्ल देखा है? कल्पना अपनी शक्ल देखना तो भूल गया जब से हमने तुमको देखा है। हाँ। कल्पना कल्पना होय होय मेरी जान कल्पना दिल फिदा हो गया अरे देख भाली सूरत दिल फिदा हो अपने चखा दीजिए और मैं हो बेचैन प्यारी आतरे प्यार में हंसक सीने से मुझको दिखाना नहीं आके सीधे लग जा और गले से मेरा काट सकता है चुका बहुत इश्क का काम और बस बस अब सब हो चुका बहुत इश्क का काम और भाग यहां से जा चला नहीं तो कबाब में हड्डी बन गया। भेड़िए साले अपने शकल देख अपनी पोजीशन देख। अरे साले एक मंदिर पे पवित्र स्थान पे साले लड़की को छेड़ता। किससे बात कर रहा है? क्या अपने मौत के बारे में सोच लिया होता हमारे सामने आने के पहले? भिक्षुक कहना मान कर तुरंत सिधारो Ha
हरामी भले हूँ मैं कंगाल, हरामी भले हूँ मैं कंगाल, खींच कर जाओ कबाब में हड्डी बन गए। अरे शायद तुमने हमारा नाम नहीं जाना कि मैं कौन हूँ। जैसे भेड़िया चले रे, भेड़िया हमको बोला शहजादा हूँ इस नगर का, सुनता है रे, शहजादा हूँ इस नगर का और रूपा मेरा नाम, मान कहा अब जा चला नहीं मारो लात, मुफ्त में जाए तेरी जान कर हो हराम खोर। तो शाहजादा है रे अपने घर का है तू शाहजादा, घर का है तू, यह मंदिर कोई रंडी खाना नहीं, सीधे साधे चला जा और कहां मान ले वरना गुस्सा तूने मेरा जाना। तो कभी जानता और गुस्सा भी जानता, सीखा नहीं ऐसी में भला भाग जा बे हया, नीच तू जैसा दुनिया में देखा तारे कांत का और मेरे सामने लड़ा रहा इस कदर जबर आबर जुबा, भाग जा तू यहां से और भला इस तरी वरना गुस्सा तूने मेरा। और नीच मरते जवां एक अबला पे ये जुल्म ढाते हुए, धर्म की बेशरम ना रही है खबर हाथ नारी के तन पे, जानते हैं तेरे पूरे खानदान को जानते हैं, लेकिन लखन तेरे जैसे भेड़िए जहां पर जुल्म करते हैं तो ने अच्छा नहीं किया, हमारे जैसे भिखारी हुकूमत करने के लिए पहुंच जाते, लेकिन तूने अच्छा नहीं किया क्योंकि तूने शेर को सोते हुए शेर को जगा दिया है। कहने वालों ने सत ही कहा है कि सांप के बिल में वही हाथ डालता है जिसको उसका अच्छी प्रकार से नॉलेज हो। अल्लाह तुम तो साले भेड़िए
तुम्हें नहीं मालूम है कि मैं कौन हूँ? तेरे जैसे सपोले का पीस खींचना मुझे अच्छी तरीके से आता है। लखन, आज बाजी तेरे हाथ आ गई, पैसा पलट गया, बाजी तेरे हाथ आ गई। लखन तो आज तो लखन मैं जा रहा हो कर कैलाश। लेकिन एक दिन तेरे ऊपर बहुत पड़ेगी। चाह रहा हूँ कि बाजी तेरे हाथ आ गई, लेकिन याद रखना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो भी अंजाम होगा वो देखा जाएगा। लखन शोध रखना, रूपा से दुश्मनी करना याद रखूंगा। लखन जा रहा हूँ, कल्पना अला बड़ा कमीना आदमी था ये। क्यों देवी जी? अरे आप कैसे अमीरों के चक्कर में पड़ गई? ठीक है, मैं तो एक भिखारी हूँ। ठीक, जाओ तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते चलूँ। ठहरो, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं उस दिन आपको मंदिर में उल्टा सीधा कह दिया था, उसके लिए माफी चाहती हूँ। अरे क्या माफी चाहती हूँ देवी जी, मेरे कपड़ों से बदबू आती है, मेरे शरीर से आपको घिन आती है। मैं भिक्षुक हूँ, भिखारी हूँ, नीच हूँ, अधर्मी हूँ। मंदिर में जा करके किसी अमीर आदमी से पहले दर्शन नहीं कर सका। मैं ये नहीं जानती थी आप भगवान हो, आप मेरे भगवान हो देवी जी। हाँ, और चरण चूमेगा दास देवी। माफी मांग लिया है। माफी आप मांगती हूँ, माफी मैं भी आपसे चरणों में प्रणाम करते के माफी मांगता हूँ। मुझे जाने दीजिए, देखिए मेरे शाम ढलने को है, मेरे माता पिता रास्ता देखते हैं। चले जाना, मैं कुछ पूछ लूँ आपसे, सब चले जाना। चल रहे हैं, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। अपना नाम बता दो मुझको। नाम ना बताओ यार। नाम और मेरा एक छोटा सा है नाम। क्या नाम है? मेरा एक छोटा सा है नाम, लखन कहते लोग। नाम तो बता दिया, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम, मेरा नाम छोटा सा है नाम, मेरा नाम छोटा सा है।
भैया रे कपन्ना 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 अरे बस्ती में कल्पना बता रही तू साले कपना कपना कहता है कल्पना हाँ कल्पना कल्पना नाम है इसका इसका मतलब कल्पना अपने जो सेवाती गांव में हेलका के अपने थाने में जो इंस्पेक्टर साहब ईश्वर सिंह है उनकी बेटी है सच कहते हो ठीक है देवी जी मैं अब चला मुझे जाने दीजिए तो इतनी जल्दी से क्या है आपको बोलो क्या कहना चाहिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ हमारे साथ में एहसान किया भारी है देवी जी और इसमें एहसान देवी जी ना हमारा है इसमें एहसान और इसमें एहसान देवी जी ना हमारा है और इसमें एहसान देवी जी और दूर रखिए ये अपनी अदा का दूर रखिए ये अपनी ओ अदा का सपन दूर रखिए ये अपनी ओ अदा का सपन मैं वो बिल्कुल नहीं जाल हमर भैया महेंद्र राजवंशी महेंद्र राजवंशी ग्राम तेलिया निवासी ये आप लोगों की सीन पर खुश होकर ये 10 रुपया इनाम दे रहे हैं और कहते हैं कि चपक के प्यार करो मैं भी भाई साहब को धन्यवाद देता हूँ मुझको अच्छी लगी है तुम्हारी अदा अरे इसमें अदा की क्या बात है देवी करने लगी हूँ अगर तुम नहीं मानोगे तो अपनी जान दे दूंगी तुम चाहे अरे या कुछ कहते हैं आई लव यू क्या कहते हैं अरे वो कहती है जो मैं समझता हूँ लेकिन इसको समझा दीजिए अगर ये मरना चाहती हो तो मर जाए लेकिन मेरा रास्ता खाली कर दे मेरे पिताजी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि मैं अपने माता पिता का इलेक्ता लाडला लाखन हूँ क्या तुम प्यारो करैया ना है का
यार इस जाति पे भरोसा नहीं होता है। हाँ अब हम बोझ रहे। ए बिटिया ऐसे आओ। ये भैया इससे प्यार करे लगे इनकार कर रहे हैं। यो बताओ जैसे हम तुम्हारे जुगाड़ो बनवाई दे हाँ। तो तुम हमका का दे हो। तुमका एक टाफी दीबा। टाफी हाँ। टाफी ना हम खाएंगे। तो का खाओगे? हमका तुम हमका चलो बरिया खवाओ। हाँ अरे घर पे आ जाना कभी भी बरिया खा लेना। हाँ तो ठीक है हम तुम्हारा बह प्यार बनवाए दे इसे बात करो। रे इंगे आ या है कई लपटे मोती मरी है तो जो प्यार नहीं। अरे यार तुम हमसे बड़े हो इसलिए तुम्हारी गम खा रहा हूँ। नहीं गम नहीं जो प्यार नहीं करे हो तो यह जो कहो चिल्लाई परी बचा बचा दो चार आई गए लठ लग के मारी तोरे दे है कहीं। अरे तुम मरना है इसको मर जाए ना। यही का नहीं तुम का मार डरी है। अरे हमको कोई नहीं मारेगा कहीं चढ़ाओ अकेले पाई गया लौंडिया चुदुर बुदुर करती रहो मार डरे जी होने प्यारो कह लियो। मैं नहीं करूंगा। ए भैया ईमान ना रहे हैं अपनी जान दे दूंगी तब मान जाएंगे। अरे मरो भाई मरो जल्दी मरो अगर नहीं मरोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। भैया एक मुझको कटहल लेके दे दो जल्दी आना ये वक्त बहुत कम है मेरे पास। अरे तुमको जान देनी है अपनी दे दो जान मेरा रास्ता खाली हो जाए मैं घर को चला जाऊं। ऐसा कैसे हमारे माता पिता बहुत परेशान होंगे। सुनो सुनो भैया यही आएगे रघुनाथ तिलियानी क्या रहे ये 10 रुपया देते हैं कहते गरीब होते है केवल दे 10 रुपया और कहते हैं प्यारो कह लो यार कह लो प्यार। नहीं भैया मैं अभी नादान हूँ। लाखन अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो ये देख रहे हो क्या है। हाँ ये देख रहा हूँ ये तुम्हारे हाथ में खंजर है। ये खंजर पूरा अपने शरीर में खोल दूंगी मैं। ये बिटिया पूरा खोल ले आओ। हाँ अरे यार तुम बीच में क्या बताए हम तुम और परेशान किए हमको। अरे तुमको मरना है मर जाओ। हाय लाखन तनका तरस ना है मत तुमका मर जाई। मुझे कोई भी तरस नहीं आता है। लाखन मैं 5 तक गिनती लगाऊंगी अगर हाँ करना तो हाँ कर देना नहीं मैं मर जाऊंगी। अरे लौंडवा रे या लौंडिया बहुत जोर मरासी है। अरे वो मरना चाहती मर जाए मेरे से क्या मैं चला जाऊंगा अपने घर। ए लाखन नंबर एक लंबर दोई लंबर 2.5 लाखन और बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ तुमका सनका तरस लाया बस हम मर जाए। लंबर 3 लंबर 4 लंबर 4.5 आधा बच्चा बेटिया अब आधा ही बच्चा है जल्दी करो। लाखन जान लो देख लो एक बार। मैं देख रहा हूँ जल्दी मरो मैं अपने घर को चलूँ। अच्छा बचा है नंबर। अरे ठीक है इतना बचा है वो भी नंबर बोल। अगर तुम कहते हो लाखन तो मैं मर जाती हूँ। नंबर तो खुदकुशी करके क्यों जान देती है तू। तुम लबरा बहुत लबरा हो तुम। यार क्या बताए पहले तो ये तो परीक्षा का टाइम था। अच्छा चलो पीछे हटो तुम लोग कहां से आ गए। तुम ऊपर मने कह रहे थे कहा था तो यार प्यार करायो भीतर मन के तुमको नहीं मालूम फिर बताऊंगा रास्ते में। देखिए देवी जी हाँ और ये रेशमी जुल्फे अच्छा ये
सरपति आंखें और इन्हें देख कर जी रहे हैं।